देखो बजट में जी वैगन, देखो पूरा एग्जैक्टली लुक्स लाइक ए जी वैगन, सुजुकी जिम्नी। अभी इंडिया का भी आएगा मालूम नहीं, बट जस्ट लुक सो गुड। ये वाला एंगल से देखोगे तो पूरा लगेगा मिनी जी वैगन है। खाली सुजुकी का अगर अपन लोगो हटा देते हैं, इट जस्ट लुक सो गुड। ओनली दो डोर ही है, सीधा दो डोर खोलो, यूज़ करो, चलाओ, लेकिन कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसका ऐसा ऐसा मॉडल आता है पूरा जी वैगन को एग्जैक्ट प्रो कॉपी कर देता है, आगे से पीछे से हर एंगल से भी। इट जस्ट लुक सो नीट, सुपर्ब। अभी ये सुजुकी जिम्नी इंडिया कब आएगा मालूम नहीं, बट इंडिया जैसे ही आएगा आई कैन गारंटी यू खतरनाक सेल होगा। इट जस्ट लुक सो गुड। यहाँ लोग क्या करते हैं, सुजुकी जिम्नी आई थिंक इट्स कॉस्ट समवेयर क्लोज टू 15 लाख या 17 लाख ऐसा कुछ लगता है एक जिम्नी का। इसी जिम्नी का ही एक पूरा कस्टमाइजेशन वाला स्टोर है जो ओनली जिम्नी ही करता है, ओनली जिम्नी को कस्टमाइज करता है, मेक्स इट एग्जैक्टली लाइक जी वैगन। आई थिंक गाड़ी अगर आप शोरूम से खरीदते हो आपको 15 लाख ऐसा कुछ लगता है, वो कस्टमाइजेशन के लेता है क्लोज टू 8 या 10 लाख ऐसा कुछ लेता है कस्टमाइजेशन के लिए ओनली। तो टोटल यू हैव टू स्पेंड क्लोज टू 25 लाख्स। 25 लाख्स में आपको टोटल पूरा वो जी वैगन बना के पूरा आपको दे देगा। एंड मैंने उसको एक्यूरेट पूरा मैंने देखा भी है, इतना ज़बरदस्त बना है, इतना ज़बरदस्त बना है। वो एक मेरे वही दोस्त के स्टोर के पास ही अगर मैं कभी जाता हूँ आप उसको लेके आपको पूरा टूर दे दूँगा, पूरा एंड टू एंड पूरा कॉपीड फ्रॉम जी वैगन। या पार्किंग में देखो आपको सब कार मिल जाएगा, पजेरो पुराना वाला ये भी इंडिया आता नहीं है। एंड पेट्रोल तो भाई फेमस, पेट्रोल दिस इज़ द किया कार्निवल, पेट्रोल लैंड क्रूजर का साइज़ ऑलमोस्ट द सेम, फिर पजेरो, फिर जाके आउटलैंडर, सिकोया, टोयोटा। सिकोया कभी आपने सुना भी नहीं होगा, टोयोटा ऐसा ऐसा गाड़ी बनाता है, और ये तो कोई चाइनीज़ वाला मॉडल। फिर पेट्रोल ये पुराना वाला है, आई थिंक इट्स द V6 एंड दैट इज़ द V8। अब ये वाला टीवी देखो सैमसंग का माइक्रो LED, सैमसंग इज सेलिंग दिस फॉर क्लोज टू $156,000, मतलब 1.1 crores टीवी का साइज है। दैट्स ऑल माइक्रो LED, खतरनाक। सो इट्स बेसिकली एक ऐसे 8K ओनली, 16K तो नहीं हो सकता, 8K ही ओनली है। माइक्रो LED इज अ नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्ले, इट हैज बीन रेटेड एज 110 इंच माइक्रो, प्राइस तो उन्होंने लिखा ही नहीं। व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस वन इन दुबई? सॉरी 550,000 दिरहम्स। ओके, सो मे बी दैट इज द रीजन यू डिड नॉट पुट द प्राइस टैग। So do you get any TV after this or it's the largest? The top of the line. This is the top of the line. So this is 8K or 16K? 4K. 4K? That's all? Okay. बट ये टीवी का साइज़ देखो 110 इंच, मतलब कितना बड़ा साइज़ है। सो जो टी वी मेरे घर में है दैट इज़ लाइक 77 इंच, दिस वन इज 110 इंच का। एंड ये 4K, इट्स नॉट इवन 8K या 16K नहीं है, वही सेम 4K, बट इट्स माइक्रो LED 110 इंच। एंड हियर इन दुबई इट्स लाइक 1.2 crores अगर दुबई में है, मतलब इंडिया में आई गेस इट्स गोना बी क्लोज टू 2 crores ही पकड़ लो, 2 करोड़ का टीवी। एंड ये वाला यहाँ पे सोल्ड आउट ही है, मतलब किसी ने ऑलरेडी खरीद चुका है ऑलरेडी। माई गॉड, 1.2 crores फॉर ए टीवी, मतलब 2 crores जस्ट फॉर ए टीवी। ये टाइम में दुबई में गाड़ी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है, मतलब इन द इवनिंग एक्चुअली, मतलब सुबह तो भाई गाड़ी चलाओ तो आपको पूरा, मतलब पहले ही आपको प्री हीट करके आना पड़ता है। टेस्ला में एक बहुत ही मस्त वाला फीचर है, यू कैन एक्चुअली प्री हीट द कार बिफोर यू इवन स्टेप इनटू द कार। तो पूरा मैं पूरा ठंड करके आता हूँ, उसके बाद ओनली आई ड्राइव। बट ये वाले टाइम में ये पूरा बाइक वाला मौसम है, ओके, आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, मेरे को थोड़ा कैमरा में सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, बट मैन इट जस्ट फील सो गुड इन द इवनिंग। और एक बार 5-6 बज गया ना, उसके बाद तो ज़बरदस्त। एनीवेज, तो अभी अपना रिलायंस का, रिलायंस रिटेल और एक आने वाला है अपना डिलीवरी, ये सबका भी आने वाला है, IPO भी खुलने वाला है। उससे पहले IPO खुलने से पहले आप कैसे उनके शेयर्स को खरीदोगे, अनलिस्टेड शेयर्स हो गया, उसका एक पूरा डिटेल वाला वीडियो कल वो वीडियो आएगा, मे बी पूरा डिटेल्स वाला वीडियो आएगा। तो वंस यू हैव दैट वीडियो, व्हाट यू कैन डू इज वहाँ पे अनलिस्टेड पे आप जाके उसको शेयर्स को खरीद सकते हो। जब IPO निकलेगा तो पक्का प्रॉफिट होएगा, उसके बाद देन मे बी यू कैन जस्ट एग्जिट एज वेल, बट उसमें थोड़ा मे बी कुछ एग्जिट का क्लॉज भी रहता है, वो आप देख लेना। बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, मतलब अनलिस्टेड शेयर्स कैसे खरीदते हैं काफ़ी लोगों को मालूम नहीं रहता है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ आप अनलिस्टेड शेयर्स खरीद लोगे, उसका जब IPO खुलेगा उसके बाद सेल कर देने का। वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। तो मेरा अभी मैं बहुत ढूंढने के बाद आई हैड टू जस्ट गो अहेड एंड बाय द BCAA एंड द वे प्रोटीन। अभी लास्ट पर मेरा जो वे प्रोटीन था मैं इंडिया से लेके आया था, ख़त्म हो चुका है। सो
सो हैव टू बाय दिस न्यू वन। मैं कभी भी इसको इंडिया में खरीदते हैं भाई, इंडिया में तो बहुत पैसा लगता है, यहाँ ये थोड़ा कम पैसा मिल जाता है। वेरी गुड ऑथेंटिक वन एज वेल। ये तो भी मैं लेके आया, बीसी डबल है, क्योंकि जिम में जाने के बाद पानी पी के बहुत बेकार है, थोड़ा टेस्ट होने से अच्छा लगता है। सो बीसी डबल इज हाईली रिकमेंडेड। सो अगेन वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, अगर ये सबका लिंक चाहिए मैं नीचे लिंक भी डाल देता हूँ। तो ये एक मैं लेके आया हूँ फ्रूट पंच, और एक ये है अपना ग्रेप। तो दो अलग अलग वेरियंट रहेगा, तो हर दिन एक अलग 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 टेस्ट रहेगा, सेम टेस्ट है ना, तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है। एनीवे वी हैव टू लीव फॉर द जिम राइट नाउ। टाइम इज ऑलमोस्ट 8 PM, 9 बजे खत्म बंद हो जाएगा जिम, उससे पहले जाके मेरे को लौट के फिर आना है, जाके बात करते हैं फिर रोड पे। आई विल एक्सप्लेन इट यू लाइक आई हैव ए न्यू जॉब पोस्टिंग, लाइक आई एम लुकिंग फॉर समवन हियर इन दुबई फॉर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क। सो भाई जल्दी से जिम आके जिम को ख़त्म भी करना पड़ा, क्योंकि रमादान के लिए जिम जल्दी छुट्टी हो जाता है। अनाउंसमेंट भी आ गया कि 9 बजे बंद होगा। नॉर्मली तो मैं 9 बजे आता हूँ, 10:30 बजे जाता हूँ, आज मेरे को 8 बजे आके 9 बजे जाना पड़ रहा है। एनीवेज सो अभी ना है अपन ओपनिंग, एक जॉब है दुबई, मॉर्निंग तो नहीं हुआ है बट वीडियो ये वाला मॉर्निंग में आएगा। अभी आपको टेस्ला का एक मस्त वाला छोटा वाला फीचर दिखाता हूँ, पूरा खतरनाक, मतलब पिकनिक बन जाएगा। स्टार्ट लाइट शो अभी स्टार्ट होगा, देखो देखो, पीछे वाला डिक्की भी ऑटोमेटिक खुल गया, वो भी कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। चलो शो ओवर, ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा सब कुछ, डन। सो भाई लोग, टाइम राइट नाउ इज 9 PM, आई नीड टू लीव फॉर होम। एंड ये वाला वीडियो मेरे को एडिट करके डालना है, कल सुबह मेरे को एक जगह जाना है, इट्स लाइक 140 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। बट एनीवे सो द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो वाज आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन टू असिस्ट मी हियर इन दुबई फुल टाइम, मतलब वो मेरे साथ पूरे सुबह 9 बजे से लेके रात बजे 7 बजे तक मेरे साथ, ही हैज़ टू स्टे, ही हैज़ टू रिप्लाई टू ईमेल्स, हैंडल सम सोशल मीडिया अकाउंट्स, हैंडल सम ऑफ माई सोशल मीडिया क्लाइंट्स, यहाँ के मेरे मीटिंग्स को भी मेरे को टाइमली स्केड्यूल करना है। एंड द मेन जॉब इज गोइंग टू बी, ही हैज़ टू बी समवन हु इज गुड एट फोटो एंड वीडियो वर्क। सो मैं एक्चुअली सोच रहा था पहले इंडिया से ही मेरे टीम मेम्बर्स को ले आता, बट इंडिया से भी ले के आने से उनका वीज़ा करवा, उनका रहना खाना पीना सब कुछ अभी करते करते बहुत टाइम लगे। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन इमीडिएटली, क्योंकि मेरा वीडियो का स्केड्यूल अभी टूट रहा है, एंड मैं अकेले शूट करने से वही एक पंगा होता है कि मेरा जो आइडियाज़ है मैं वो शूट नहीं कर पाता। आई नीड समवन हु नीड्स टू शूट, आई विल जस्ट स्क्रिप्ट, ऑफकोर्स मैं ही खुद एडिट करूंगा, बट समवन हैज़ टू एक्चुअली हैंडल द कैमरा, तो कैमरा हैंडल करेगा, मैं उसको असिस्ट करूंगा। सो समवन हैज़ टू बी देयर विथ मी लाइक होल डे। सो अगर अभी अपना दुबई से भी बहुत अच्छा ऑडियंस बन चुके हैं ऑलरेडी, सो मैं स्टैट्स देख रहा था, वो इंडिया से वेयर आर ऑडियंस इज क्लोज टू लाइक 94% US, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज लाइक 4 या 5%, एंड UAE से भी क्लोज टू 7 या 8% देख रहे हैं। सो इन केस समवन इज फ्रॉम UAE, अगर दुबई से हो एंड फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर ए जॉब एंड लुकिंग फॉर ए गुड जॉब, जो कि मतलब फुल टाइम यू आर हैंडलिंग सम सोशल मीडिया अकाउंट, हैंडलिंग फोटो वीडियो वर्क, एंड फील फ्री टू सिट विथ मी, वर्क विथ मी। सो आई एम लुकिंग फॉर समवन, अगर किसी को मालूम है कि जो दुबई में सेटल्ड हो ऑलरेडी
एंड लुकिंग फॉर ए जॉब लेट मी नो, मैं ऑफिस का ईमेल एड्रेस ईमेल एक्चुअली लिंक ही डालता हूँ, डायरेक्टली जाकर वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। मेरे को ये जल्दी से किसी को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि हायर नहीं करने तो मेरा वीडियो का शेड्यूल पूरा टूटा। अभी इतना सारा आइडियाज़ है बट वो आइडियाज़ को मतलब शूट करने के लिए समवन एक्चुअली हैज़ टू हैंडल द कैमरा। में इतना सारा ई मेल्स एंड मीटिंग्स भी रहता है, अगर कोई एक बंदा रहेगा तो मेरे को ईजी हो जाएगा। अकेले इतना सारा काम करते मेरा दिमाग ऑलरेडी मतलब बर्स्ट हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है मेरे को अभी जल्दी से कोई एक मतलब रोड ट्रिप के लिए निकलना पड़ेगा। अकेले इतना काम करते करते अभी इंडिया का काम भी हैंडल करना पड़ता है, यूट्यूब भी हैंडल करो यार, इट्स सॉक्स मैन। सो एनी वेज, सो इफ समवन इज लाइक एक्सपर्ट एट लाइक कैमरा एंड वीडियो वर्क एंड मोर स्मार्टर देन मी, लेट मी नो। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आज एक छोटा वाला वीडियो था। अभी कल एंड परसों के लिए ऑलरेडी दो वीडियो मैं शूट करके रखा हूँ, ऑलरेडी वो अप्रूव नहीं होता, अभी अप्रूव हो चुका है। सो वो दो वीडियो कल आएगा। सो एटलीस्ट मेरे को अभी नेक्स्ट टू डेज आई माइट रेस्ट। सो आई हैव बीन लुकिंग टू एक्चुअली go to US or Europe for my road trip, but the problem is my wife and son, they don't have US visa. अभी मेरा अकेले का है, अगर मैं अकेले जाता हूँ so I am surely going to get bored without them. So मैं भी अकेले भी जा नहीं पा रहा हूँ, उनको लेके भी नहीं जा सकता क्योंकि US का वीज़ा अभी अप्लाई करते बहुत लेट हो जाएगा एंड यूरोप वाला वीज़ा के यहाँ लंबा वाला वेटिंग है। इट सीम्स लाइक ये वाला साल मेरा टोटल वेस्ट होने वाला है मे बी ये साल, क्योंकि मेरा हर साल कोविड से पहले आई ऑलवेज यूज टू डू थ्री इंटरनेशनल रोड ट्रिप्स एवरी ईयर, बट ये साल टोटल बर्बाद। लास्ट दो साल तो एनी वेज कोविड में बर्बाद हो ही चुका था। अभी और कुछ उपाय भी नहीं है, मैं मेरे को अभी कल सुबह कैसे भी करके VF से एक बार जाके देखना है कि यूरोप या US वीला कौन सा एक जल्दी हो पाएगा। अगर जून या जुलाई में मे बी वी विल डू द ट्रिप, बट इट डजेंट सीम लाइक, क्योंकि यहाँ अभी कोविड ख़त्म होने के बाद इतने लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फ़्लाइट का रेट तो टोटल 3x हो चुका है एंड वीज़े के लिए भी 2-3 महीने का वेटिंग है। सक्स मैन, ये साल लगता है मेरे को इंडिया और दुबई में ही कट जाएगा रोड ट्रिप, इट डजेंट सीम लाइक। एनीवेज आई विल सी यू इन द न्यू ब्लॉग।